Hello friends, welcome back to my channel, All Things Channel Radio. Please friends, subscribe my channel, press the bell icon, like this video and share this video. Please support this channel. जैसे कि आपको पता है कि 15 फरवरी को इग्नू के एडमिशन ख़त्म हो चुके हैं और आप सबको पता होगा कि इग्नू के वेबसाइट पे सारे असाइनमेंट अपडेट हो चुके हैं, तो उस ऐप असाइनमेंट जाकर आप डाउनलोड कर लीजिए और जनवरी सेशन वाले, और उसे मार्च में आपको जमा करना है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि फ्रंट पेज आप असाइनमेंट का कैसे बनाएं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देख सकते हैं कि ये इग्नू का है, ये आप देख सकते हैं कि कैसे आपको असाइनमेंट बनाना है इग्नू का। तो फर्स्ट आप देखिए कि आपको पहले लिखना है एनरोलमेंट नंबर आपके। आप एक पेज ले लेंगे जिस पर आप असाइनमेंट बनाएंगे फ्रंट पेज, तो आपको उसमें आपको पहले अपना एनरोलमेंट नंबर लिखना है। एनरोलमेंट नंबर वो होता है जो आपने जैसे आपने एडमिशन कराया है, जब आपका एडमिशन कंफर्म होकर आता है तो एक एनरोलमेंट नंबर जनरेट होकर आता है, उसे एनरोलमेंट नंबर बोलते हैं। तो उसको आपको इधर लिखना है, फिर आपको अपना नाम लिखना है, पूरा नाम जो आपने अपने एडमिशन में नाम दिया है, और आपको एड्रेस लिखना है अपना फुल एड्रेस जो आपने एड्रेस एडमिशन के दौरान आपने दिया था। तो एडमिशन के एड्रेस के लिए आप थोड़ा नीचे गैप छोड़ेंगे, फिर आप कोर्स कोड लिखना है, कोर्स कोड लिखना है जो आपके, मैं आपको बताऊंगा कोर्स कोड क्या होता है। फिर आपको कोर्स टाइटल लिखना है, ये बताऊंगा आपको। फिर असाइनमेंट नंबर लिखना है, फिर असाइनमेंट कोड भी होता है आपको वो भी लिखना है। फिर आपको अपना स्टडी सेंटर लिखना है, जहाँ पे आपने अपना स्टडी सेंटर दिया, जहाँ पे आप क्लासेस लेते हैं आपको वो लिखना है, यहाँ पे थोड़ा स्पेस लिखना है। और आपको एक डेट लिखना है जब आप सबमिशन करेंगे असाइनमेंट को। तो मैं आपको बताता हूँ पहले कि कोर्स कोड क्या होता है। देखिए फ्रेंड्स, कोर्स कोड ये होता है हमारा, हम जब असाइनमेंट डाउनलोड करेंगे तो सेकंड पेज में आपका सब ऊपर डिटेल दे रखा होगा। तो कोर्स कोड हमारा ये होता है, जैसे 0SS-10, ये हमारा कोर्स कोड हो गया। फिर असाइनमेंट नंबर होता है, आपका असाइनमेंट कोड है तो आप ये असाइनमेंट कोड लिखेंगे। तो आपको अपना असाइनमेंट का फ्रंट पेज अच्छे से लिखना है, जैसे मैंने आपको बताया एनरोल नंबर, नेम आपका, एड्रेस, कोर्स कोड, कोर्स टाइटल, असाइनमेंट नंबर, स्टडी सेंटर, डेट। आपको ये तो मैंने ऐसे ही बनाया, तो आपको सब में गैप छोड़ना है, पूरे नीचे तक ले जाना है और अच्छे से लिखना है, ठीक है। तो आपको ऐसे ही बनाना है अच्छे से, प्लीज़ आप अच्छे से बनाए और अच्छे मार्क्स लीजिए। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही था उस वीडियो में, और आगे जो अपडेट आएंगे मैं आपको बताता रहूँगा। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, प्रेस द बेल आइकन, सपोर्ट दिस चैनल, शेयर दिस वीडियो। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड बाय, टेक केयर।